हेलो गाइस, मेरा नाम है रायन। आज की वीडियो में तीन बहुत ही ज्यादा यूनिक रोबोट्स की मैं अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाला हूँ। पहला रोबोट मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैंने रिसेंटली खरीदा यार। इसको बोलते हैं योको नियो रोबोट। इसके अंदर अपन प्रोग्रामिंग वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर है अपना प्लैनेट बॉय रन अवे रोबोट। अपना तीसरा वाला रोबोट है, ये एक टीरेक्स रोबोट है। आज की वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है दोस्तों, चलो फटाफट से तीनों को अनबॉक्स करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 9 पॉइंट टच पैनल मिल जाता है। पहली बार मैं टच पैनल वाला रोबोट यूज करने वाला हूँ। बोनस ट्रिक्स मिल जाते हैं, म्यूजिक वगैरह भी इसके अंदर चल जाती है। सिल्वर लिट की तरफ से आ जाता है ये रोबोट। और इसके क्या क्या मेन फीचर्स है इस तरफ भी दिए हुए। बॉक्स के पीछे देखो यार, इस रोबोट को किस तरह से प्रोग्रामिंग करना है, किस तरह से चलाना है, सारी चीजें बॉक्स के पीछे अपने को मिल जाएंगी। बहुत ही कम प्राइस में खरीदा यार। अगर आप भी इसको खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो। इधर तुम लोगों को व्यू प्रोडक्ट बोलकर ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे इसका बाय लिंक आपको मिल जाएगा। या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अमेजोन का बाय लिंक दे रखा है, वहां से भी जाकर आप चाहे तो योको नियो रोबोट को खरीद सकते हो दोस्तों। चलो फटाफट से इस रोबोट को निकाल लेते हैं बॉक्स के अंदर से बाहर, देखते हैं भाई इसकी क्वालिटी वगैरह कैसी है। देखने में तो काफी ज्यादा कमाल का दिखता है ये रोबोट। ऊपर की तरफ देखो यार, यहां से मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर एक बटन अपने को मिल जाता है। इसके पीछे अपन प्रोग्रामिंग करने के बाद ये बटन दबाएंगे तो ये रोबोट अपना काम खुद करने लगेगा। यहां पर इसका नंबर कुछ लगा हुआ है, ये है इसके हैंड, बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। और इस तरह से करने पर इसके अंदर कुछ अजीब टाइप की साउंड भी आ रही है। इसके फिंगर्स बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल है नहीं, दोनों हैंड्स मूवेबल दिए हुए। यहां से नीचे की तरफ देखो यार, पूरा का पूरा सीन चेंज हो जाता है। यहां पर लगे हैं व्हील्स, बड़े ही कमाल के व्हील्स है, पूरी तरीके से रबर की ग्रिप दी हुई है। इसके अंदर कोई भी रिचार्जेबल बैटरी अपने को मिलती नहीं है, बैटरीज अपने को खुद से ही खरीद के डालनी पड़ती है। इसको सपोर्ट देने के लिए पीछे की तरफ देखो एक छोटा सा एक्स्ट्रा व्हील लगा हुआ है। यहाँ पर है गाइस इसके कमाल की चीज, यहाँ पर देखो यार ये है इसका पैनल। इसके अंदर अपन जैसे ही इसको प्रोग्रामिंग करेंगे ये रोबोट, वो सारी चीजें अपने को करके बताने वाला है। इसको चलाएंगे थोड़ी देर में, देखते हैं यार इसके अंदर और अपने को क्या क्या चीजें मिली है। अच्छा, यहाँ पर अपने को एक शीट भी मिल जाती है रोबोट को किस तरह से प्रोग्रामिंग करना है। यहाँ पर एक और बुक मिल जाती है। अरे भाई साहब, बहुत सारी बुक्स दे रखी है इन लोगों ने रोबोट को चलाने के लिए। इस रोबोट के अंदर बैटरीज डालने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर भी अपने को मिल जाता है। ओके गाइस, दूसरा रोबोट भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इसका नाम है स्मार्ट डायनो मैकेनिकल रोबोट। चलो गाइस बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से इसको भी निकाल लेते हैं बॉक्स के अंदर से बाहर। इसको भी अगर आप खरीदना चाहते हो तो व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करो, इसका बाय लिंक आपको मिल जाएगा और इसका प्राइस भी आपको काफी आसानी से पता चल जाएगा। इसको किस तरह से चलाना है देखो यार, एक बहुत ही तगड़ी वाली यूजर गाइड अपने को मिल जाती है। इस बॉक्स को मैं रखता हूं यार साइड में, फटाफट से इसको निकाल लेते हैं इसके अंदर से, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर है गाइस अपना स्मार्ट मैकेनिकल डायनो रोबोट। माउथ देखो यार, बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल दिया हुआ है। इसके आइज के अंदर बहुत सारे लाइट्स वगैरह आ जाते हैं। यहाँ पर इसके दो सिंग भी दिए हुए भाई साहब, रोबोट के अंदर सिंग मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये इसके हैंड्स है, दो व्हील्स अपने को मिल जाते हैं, रबर की ग्रिप चढ़ी हुई है ऊपर की तरफ। बिल्ड क्वालिटी इसकी काफी ज्यादा ऑसम है। नीचे है इसका बैटरी कंपार्टमेंट, इसके साथ अपने को रिचार्जेबल बैटरी मिल जाती है गाइस। इसकी पूंछ लगा देता हूँ यार मैं, ये बहुत ही छोटा दिख रहा है पूंछ लगाने के बाद। देखो यार इसकी पूंछ भी जो है काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल दी हुई है, कमाल का रोबोट है यार। फिलहाल इसको मैं रख देता हूँ साइड में। 4.8 वोल्ट 600 mAh की बैटरी दी हुई है। बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर मिल जाता है। यहाँ पर है इसका रिमोट कंट्रोलर, रोबोट को किस तरह से चलाना है सारी चीजें अपने को इसी के अंदर से कंट्रोल करनी पड़ती है। ओके गाइस, तीनों रोबोट्स को देखो यार मैंने यहाँ पे रख दिया है। तीनों ही रोबोट जो है बहुत ही ज्यादा यूनिक है, बहुत ही ज्यादा कमाल के दिखाई देते हैं। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था गाइस, इसके पीछे देखो यार ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है, अंडू स्विच मिल जाता है, एंटर का भी एक स्विच मिल जाता है। फटाफट से तीनों को लेके चलते हैं बाहर, कराते हैं भाई तीनों के बीच में टेस्टिंग, देखते हैं गाइस आज के टेस्ट में कौन सा रोबोट जीत पाता है। चलो गाइस लेट्स गो। सबसे पहले अपन टेस्ट करने वाले हैं नियो रोबोट को ऑन। इसको मैंने कर दिया है, पीछे का पैटर्न भी इसका एक्टिवेट हो चुका है। पहले इसके अंदर अपन कुछ इजी कमांड्स देके देखेंगे, जैसे कि ये वाला पैटर्न है और यहाँ पर देखो यार ये थोड़ा सा हार्ड है, ये जिगजैग वाला पैटर्न है। अब ये दोनों पैटर्न्स को मैं रोबोट के अंदर ड्रॉ करने वाला हूं। यहां से इसको थोड़ा सा अपने फिंगर से अपन एक्टिवेट कर चुके हैं, अभी एक बार एंटर दबाते हैं। अभी दूसरा वाला पैटर्न भी ड्रॉ करते हैं, इसको इस तरह से ड्रॉ करना पड़ता है। देखो यार दोनों कमांड्स मैंने इसके अंदर सेट कर दिए हैं, अभी इसके अंदर अपन एंटर दबाएंगे, देख अपन ने जो दोनों कमांड्स इसके अंदर दिए हैं ये कर पाता है या नहीं। नीचे रख दिया मैंने, ऊपर सर के ऊपर एक बटन है, इसको प्रेस करना पड़ता है। अभी देखो यार ये सामने का एरिया जो है सर्च कर रहा है, देख रहा है कि सामने इसके कोई है या नहीं।
फर्स्ट वाला पैटर्न भाई साहब इसने काफी सही तरीके से कमांड में ले लिया है, अभी दूसरा पैटर्न भी ट्राई कर रहा है। तो अच्छा, दूसरा पैटर्न ये थोड़ा सा अजीब तरीके से बिहेव करता है, जैसे कि देख रहे हो ये मून वॉक पैटर्न बोलते हैं, मून वॉक पैटर्न भी इसने करके दिखा दिया है भाई साहब। अभी इसको थोड़ा सा अपन हार्ड टास्क देने वाले हैं, जैसे कि दोस्तों इसको अपन पहले फॉरवर्ड करेंगे। फॉरवर्ड करने के लिए देखो यार, बीच की लाइन को अपन थोड़ा सा आगे की ओर ड्रॉ करेंगे और थोड़ा सा फॉरवर्ड करेंगे, इसको दो तीन बार फॉरवर्ड करेंगे, फिर दो तीन बार इसको रिवर्स करेंगे, उसके बाद इसके साथ थोड़ा सा डांस वगैरह करा के देख लेते हैं। सारे पैटर्न मैंने ड्रॉ कर दिए, अभी इसको नीचे रख के देखते हैं यार ये किस तरह से परफॉर्म करता है, आगे की ओर जा पाता है यानी, ये देख लेते हैं। सर्च कर रहा है आगे की एरिया को, ये पूरी तरीके से देखते हैं, ये आगे तो बढ़ रहा है भाई साहब काफी सही तरीके से, ऑलमोस्ट तीन स्टेप्स ही आगे जा चुका है और वापस भी आया है। देखते हैं अभी डांस वगैरह कर पाता है नहीं। अभी देखो यार इस तरह का ये डांस भी करके दिखा रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 360 डिग्री घूमना, ड्रिफ्ट वगैरह मारना, काफी परफेक्ट तरीके से हर चीज ये रोबोट अपनी करके बता सकता है। और देखो यार इस तरह से हेड वगैरह भी शेक करता है। गाइस अभी अपन टच करने वाले हैं बीबी रोबोट को, देखो यार इसको मैंने पूरा बाहर निकाल लिया है, ऑन कर दिया है, वापस से मैं इसको बॉल के अंदर रख के बंद कर दूंगा। देखते हैं अभी ये जो रोबोट है किस तरह से काम करता है। इसका ऊपर वाला हेड देखो यार ऑटोमेटिक तरीके से घूमने लगता है, और इसका ये जो नीचे वाला बॉल है जिस तरह से चल रहा है, इसका जो हेड है उसी को ट्रैक करते हुए इसके ऊपर चिपका हुआ होता है। इतनी गजब की, इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी मैं पहली बार देख रहा हूं यार कोई रोबोट के अंदर। इसके अंदर शायद मैग्नेट्स वगैरह लगे होंगे गाइस, इस वजह से देखो ये जिस तरह से बॉल मूव कर रहा है इसका हेड भी उसी के हिसाब से पूरी तरीके से एडजस्ट होकर मूव करने लगता है, और ये अपने हेड को 360 डिग्री घुमा भी सकता है। अभी देखो यार ये बीच का बटन दबा के देखते हैं ये क्या कर पाता है। बटन तो दबा दिया मैंने, अच्छा तो ये डेमो दिखाता है, और भाई साहब देखो ये कितना ज्यादा हिल रहा है यार, फिर भी इसका जो हेड है ऊपर से बिल्कुल भी नहीं गिर पा रहा है। थोड़ा सा इसको मैं हिला के भी दिखा देता हूं, ओह माय गॉड। तो और थोड़ा सा स्पीड घुमाते हैं, जैसे ही मैंने थोड़ा सा स्पीड घुमाया ये इसका हेड निकल के गिर चुका है, फिर भी देखो ये जो बॉल है अभी भी सही तरीके से काम कर रहा है। भाई मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये जो रोबोट है इतना मस्त तरीके से काम करता है। काम करता है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, देखते हैं असल में ये किस तरह से काम करता है। अच्छा ये देखो यार यहां पर अभी लग रहा है कि मैं एक नॉर्मल वाला रोबोट चला रहा हूं, तो ये भी जो रोबोट है बहुत ही ज्यादा यूनिक है गाइस। ओके दोस्तों अभी मैं टेस्ट करने वाला हूँ स्मार्ट डायनो रोबोट को, ऑन कर दिया है मैंने, इसको नीचे जैसे ही रखा है देखो यार ये अपने आप को क्या ही गजब तरीके से बैलेंस बनाया हुआ है। इसके साथ अपने को इस तरह का रिमोट भी मिल जाता है यार, अपने न्यू वाले रोबोट के साथ भी रिमोट मिल जाता है तो भाई एकदम मजा ही आ जाता है। रिमोट से अपन इसको किसी भी डायरेक्शन में चला सकते हैं एक रोबोटिक कार की तरह, और इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी फीचर है देखो यार, इसके आईज में ये अपनी फीलिंग्स वगैरह भी बता सकता है। अभी यहाँ पे हार्ट बना के दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसको इस तरह से चलने में बड़ा मजा आ रहा है। और एक चीज भी मैं आपको बताता हूँ, इस रोबोट को बहुत ही जल्दी गुस्सा भी आ जाता है। अभी देखो यार इसकी पूंछ में पकड़ने वाला हूँ, पूंछ मैंने जैसे ही पकड़ी अभी देखो यार इसको किस तरह से गुस्सा आ रहा है। ये देखो यार इस तरह से घुर्रा कर डराने लगता है और बोलता है कि मेरी पूंछ छोड़ दो वरना मैं तुमको काट लूंगा। तो इसके अंदर अपने को हैंड सेंसर भी मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इसको गोल गोल घुमा रहा हूँ, सिर्फ हैंड से करने से ही इस तरह से 360 डिग्री घूमने लगता है। इसके हेड के पीछे भी बहुत सारे सेंसर है, अपन इसके हेड के पीछे थोड़ा सा हाथ रखेंगे तो ये आगे की तरफ मूव करेगा, और इसके माउथ के सामने हाथ रखेंगे तो ये पीछे की तरफ इस तरह से मूव करने लगता है। बड़ा ही कमाल का रोबोट है गाइस, सेंसर्स तो इसके अंदर भर भर के दिए हुए, और इसके अंदर जायरो सेंसर भी अपने को मिल जाता है। देखो यार रैप्टर मोड जैसे ही ऑन करते हैं ये अपनी पूंछ से इस तरह से मारने लगता है और अपना माउथ जो है बड़ा ओपन करके इस तरह से पुकारने लगता है। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको स्मार्ट डायनो रोबोट पसंद आया या फिर बीबी रोबोट पसंद आया या फिर अपना नियो रोबोट पसंद आया, नीचे कमेंट करो गाइस फटाफट से अभी कभी। चलो अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट, सबसे पहला नाम आ जाता है तैयब, जिबान दास, सुमित, रोहन कुमार, नवदीप सिंह, रोहन, रजान, साहिर, प्रवाश, जिगर। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।